आपका आपने देखा होगा सीटी भी मारता है, तो उसके बारे में बताएंगे कि सीटी को मारता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे डीके स्टार ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं कि माइक के प्रोग्राम में और डीजे के प्रोग्राम में कौन से स्पीकर मतलब सही रहेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइक के प्रोग्राम के लिए कौन सा स्पीकर सही रहेगा। तो ये हमारा कैपिटल का 600 वाट है, और ये डबल मैग्नेट 500 वाट है, 2x का प्रोफेशनल, इसका वो छूट गया है, और ये पी प्लस का है 200 वाट, और ये 2x का है 1000 वाट, इसके वो छूट गया है। इसलिए आपको एग्जांपल में दिखाते हैं और चला के भी दिखाएंगे। तो होता क्या है कि हमारा जो माइक का काम होता है ना, उसमें आवाज़ की ज़्यादा वैल्यू है, कि उसमें आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। कोई अगर कलाकार बोलता है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो जब तक चीख नहीं निकलेगी आवाज़ से और गूंजेगी नहीं आवाज़, तब तक वो आपसे वॉल्यूम बढ़वाता रहेगा, और जब भी बढ़वाएगा तो आपका, आपने देखा होगा, सीटी भी मारता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि सीटी क्यों मारता है। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है, जब भी हम मतलब साउंड लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन बात है ग्राउंड बनाना। ग्राउंड आपका बन गया और कलाकार खुश हो गया तो समझ लो आप पास हो गए, और ग्राउंड आपका नहीं बना और आवाज़ जब तक गूंज नहीं रही है ग्राउंड में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक शिकायतें मिलेंगी और आपका प्रोग्राम फेल भी हो सकता है। तो आपको मैं यही चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर 15 के टॉप लगाए हैं हमने, तो उसमें कम वाट का स्पीकर चलाओ, 600 वाट होना चाहिए आपके में ग्राउंड में या पास में लगा लो। और ग्राउंड में जैसे आपने लगा दिए, कम वाट का स्पीकर लगाना है आपको, ज़्यादा वाट का स्पीकर नहीं लगाना है। और ये हमारा, ये भी 15 इंची है 1000 वाट, और ये 600 वाट है, तो आप देख रहे होंगे कितना फर्क है इसमें और इसमें। पास में जो लगाओ वो 15 इंची होनी चाहिए, 15 इंची की टॉप लगाओ पास में, तो 15 इंची की टॉप होनी चाहिए। जो कम्बाइंड में स्पीकर है वो चलाओ आप, और ग्राउंड में अगर चला रहे हो तो ये डबल मैग्नेट है स्पीकर, और ज़्यादा वाट के स्पीकर हैं तो ये हटा दो, 200 वाट केबल लगाओ। 200 वाट लगाओगे तो उसके बारे में भी अभी एग्जांपल में चला के दिखाऊंगा आपको मैं, 1000 वाट भी चला के दिखाऊंगा और ये भी चला के दिखाऊंगा। और जो आवाज़ हम खोलते हैं और सीटी मारता है, उसके बारे में भी आगे अभी आपको हम दिखाएंगे सीटी कौन सा मारता है स्पीकर। आप वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा आपके, वैसे नहीं आने वाला है कुछ, ठीक है? तो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो जो ज़्यादा वाट का स्पीकर है वो हमारे डीजे के काम के लिए ठीक है, डीजे का काम है हमारा तो, और जो कम वाट का स्पीकर है वो हमारे माइक के काम के लिए सही रहता है। उसमें मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा उसके, क्योंकि सीटी भी तो मारता है, उसके बारे में आपको बतानी आगे चल के, वीडियो में बने रहिए आप। तो ये कम वाट का स्पीकर है तो ये आवाज़ ज़्यादा देगा, ठीक है? ये 200 वाट है और ये 15 का 600 वाट है, तो ये 15 का 600 वाट, जो माइक कलाकार चलाता है उसकी भी बेस की बिल्कुल बंद कर दी जाती है, इसलिए उसकी आवाज़ ख़राब ना हो। तो ये हमारे 200 वाट का स्पीकर है ये, तो हम ग्राउंड में अगर लगाते हैं तो 200 वाट स्पीकर लगाओ, 200 वाट स्पीकर आवाज़ ज़्यादा देगा। कम वाट का स्पीकर है जो आवाज़ ज़्यादा देगा, और ज़्यादा वाट का स्पीकर है ज़्यादा हाईफाई मैग्नेट में, तो वो बेस देगा साथ में, तो वो हमें मैगने उसमें प्रोग्राम में, माइक के प्रोग्राम में नहीं लगाना है, माइक के प्रोग्राम में ज़्यादा वाट का स्पीकर नहीं लगाना है, क्योंकि हमें माइक के प्रोग्राम में आवाज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कि आज ग्राउंड में ऐसी गूंजनी चाहिए कि बाहर वाला जो इंसान देखे आके वो कहे हाँ आवाज़ बहुत मतलब मस्त थी और बढ़िया चल रहा है साउंड। आज चेक करके दिखाएंगे आपको, 200 वाट चला के दिखाएंगे, 600 वाट चला के दिखाएंगे और 1000 वाट चला के दिखाएंगे, ठीक है? और सीटी को मारता है वो आप हम इस वीडियो में बताएंगे, जब चालू अभी करेंगे दिखाएंगे। अब आगे चले दिखाते हैं वीडियो में कि कैसे, क्यों सीटी मारता है, और कौन क्या वाट स्पीकर सीटी मारता है हमारा, क्यों मारता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो हमने लगा लिया है सिस्टम अपना, तो आज हम सबसे पहले 200 वाट स्पीकर चला के दिखाएंगे जो ऊपर रखा है ये वाला। तो ये हमारे 12 के कॉलम है, तो पहले तो चला के दिखाएंगे ये, तो ये चेक करके दिखाएंगे इसके पास, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा और आवाज़ भी दिखाऊंगा चेक करके,
और ये भी दिखाऊंगा कि सीटी कहाँ तक मारता है, कहाँ तक नहीं मारता है, और क्यों मारता है सीटी, ये देखेंगे। हारे हारे चेक हारे 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 चेक हारे हारे। तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ कि अभी हमारे पास में स्पीकर, स्पीकर अभी पास में है और सीटी नहीं मार सकता, ठीक है, कितने पास में है आप देख सकते हो। हारे चेक हारे हारे। और जो वीडियो में बताते हैं यूट्यूब में कि ऐसे मैक पकड़े से सीटी मारता है या ऐसे मैक पकड़े सीटी मारता है, सीटी कैसे भी नहीं मारता है, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, ठीक है, सीटी माइक ऐसे वैसे नहीं पकड़ने से मारता है, ठीक है, चाहे कैसे भी पकड़ो, ऐसे अगर पकड़ोगे तो और बढ़िया आवाज देगा। हारे चेक हारे हारे। ठीक है, ऐसे पकड़ लो, कैसे ही पकड़ लो, मैं कैसे सिटी नहीं मारता है। और जो बताते हैं वो उनका तरीका गलत है, और जो बताते हैं गलत बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आज हम ये 200 वाट स्पीकर है हमारा, और चलो आज मैं दिखाता हूँ 1000 वाट स्पीकर, अभी यहाँ पर रख के 1000 वाट स्पीकर दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको सिटी मारता है या नहीं मारता है, और क्यों मारता है सिटी, ये देखेंगे हमारे। हमने अभी 15 टॉप लगाई है 1000 वाट, जो मैंने आपको वो दिखाया था, 1000 वाट का रखा है, ये दिखाया था, ये 1000 वाट इसमें पड़ा हुआ है, इसे दिखाते हैं चेक करके। हाल चेक हाल है हाल है। तो ये आवाज नहीं दे रहा है ज्यादा, मतलब क्योंकि ये बेस दे रहा है, हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज अलग मालूम पड़ती है, इसकी अलग। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे आवाज खोलेंगे हम। हाल है हाल चेक हाल है हाल चेक हाल है। जब खोलेंगे ज्यादा वाट का स्पीकर होगा तो वो जब आवाज खोलेंगे तो वो बीएसी तो बढ़ेगी उसके जो हिसाब से बनाया गया है, और कम वाट के स्पीकर पर अगर हम आवाज खोलेंगे तो वो आवाज बढ़ाए, आवाज उसकी ज्यादा तेज होगी, और ये बोलेंगे तो ये बेस साथ में देगा, जब बेस साथ में देगा तो हमारा माइक सिटी मारेगा, और इसी को मैं दिखाता हूँ फिर से। ज्यादा खोलोगे तो ये सिटी देगा, तो मेन चीज यही है, इसकी फ्रिक्वेंसी, और इसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो सिटी मारेगा, आवाज बढ़ाएंगे तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी तेज होगी, इसकी भी तेज होगी, ये दोनों के फ्रीक्वेंसी जब लड़ेगी आगे आपस में सिटी मारेगा। तो इस चक्कर में हमें जो कम वाट का स्पीकर होता है वो यूज करना है, और जब वो यूज करोगे तो हमारे सिटी नहीं मारेगा, क्योंकि आवाज बढ़ाओगे बेस बंद कर देनी है आपको, तो आवाज बढ़ानी है आपको। तो अब हम 15 इंची का 600 वाट चला के दिखाएंगे आपको। तो हमने लगाया है 15 इंची का टॉप 600 वाट, तो अब हम इसको चेक करके दिखाएंगे और इसकी आवाज भी दिखाएंगे आपको। तो वो हमारा 15 इंची का जो 1000 वाट था उसमें आवाज भी बढ़ाई थी, तो उसमें सीटी मार रहा था, और इसके पास है अभी, और इसे चेक करके दिखाते हैं। हारे के भारे हारे हारे के भारे हारे। ये हमारे इतने पास में है और ये सिटी नहीं मार सकता, क्योंकि इसमें 600 वाट स्पीकर पड़ा है, अगर हम आवाज भी बढ़ाएंगे तो आवाज बढ़ेगी, सिटी नहीं मारेगा, जो हमारे कलाकार के लिए चाहिए। अगर बेस वाला स्पीकर होगा 1000 वाट होगा तो वो उसमें जब बड़ा होगा तो बेस ज्यादा होगी और आवाज नहीं होगी, आवाज नहीं बढ़ पाएगी, और आवाज ज्यादा होगी तो उसमें सिटी तो मारना 100% लाजमी है, तो वो सिटी जरूर मारेगा, क्योंकि वो बेस तो दे नहीं, बेस ही देगा, आवाज तो दे नहीं सकता। तो ज्यादा वाट का स्पीकर आवाज के लिए नहीं बना है, बेस के लिए बना है, जो हम देव डीजे चलाते हैं। तो कम वाट का स्पीकर है वो आवाज ज्यादा देगा, तो माइक के प्रोग्राम के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम वाट का स्पीकर। कहीं भी आप ले जाओ, प्रोग्राम करो, जागरण भागवत प्रोग्राम मेला है, कोई भी प्रोग्राम करो A to Z, माइक अगर माइक का है काम तो उसमें कम वाट का स्पीकर ले जाओ, और अगर माइक आप बेस चाहते हो, मेरे स्पीकर बेस ज़्यादा नहीं देते हैं, आवाज़ ही दे रहे हैं, तो एक काम करो, आप कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो तो उसमें पीछे बेस लगा दो, उसके पास 2 15 इंची उसके ऊपर रख दो, बेस पर्दा होता है उसके पीछे रख दो, आपका प्रोग्राम बढ़िया हो जाएगा। बेस तब चलाओ जब वहाँ पर रिकॉर्डिंग चलती है, माइक प्रोग्राम में बहुत से ऐसे काम हैं जैसे भागवत है और मेला है, तो इनमें जब रिकॉर्डिंग चलती है तब आप बेस यूज करो और बेस अलग से लगाओ, कम वाट का स्पीकर ले जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ दे दो, और बेस वाला स्पीकर ले जाना नहीं है, ज़्यादा वाट का स्पीकर और ज़्यादा वाट का स्पीकर ले जाओगे तो माइक के प्रोग्राम में फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उससे। तो यही बता यही
सिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।